हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पती। सो हे गाइस, बैक टू माय YouTube चैनल यूटेक में जैसे फिर से फाइनल एक वीडियो लेके आ गई। बहुत जबरदस्त वीडियो, जैसे कि स्टार्टिंग में देख ही लिया, इस तरह से वीडियो आज आप लोगों को बनाना सीखेंगे। बहुत ज्यादा टिकटॉक में ट्रेंड में चल रही है, और जो बंदा वीडियो बना करके जैसे कि स्टार्टिंग में देख ही लिया, उसके साथ कोई भी बंदा बिल्कुल डुएट कर लेता है, उसकी वीडियो तुरंत वायरल हो जाती है टिकटॉक पर। तो यार उसकी वीडियो में ओरिजिनल वीडियो आज आप लोगों को बनाना सीखाऊंगा। जो बंदा है किस तरह से जो ओरिजिनल वीडियो बना चुका है, जो देख रही है, ठीक है, इसका ओरिजिनल वीडियो आज आप लोगों को बनाना सीखाऊंगा। और ओरिजिनल वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस लड़की का वीडियो फुटेज चाहिए आपको, और उस लड़की का वीडियो आपको टिकटॉक पर नहीं मिलेगी, क्या कि उसके आईडी के नाम पता नहीं, ठीक है, मेरे को भी पता नहीं। तब भी मैं आपको उस लड़की का वीडियो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिए, मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से एक्टिंग करना, ठीक है, जो देख रही है, ठीक है, आपको ग्रीन स्किन का कपड़ा चाहिए, ठीक है, हल्का 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 कपड़ा चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से एक्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपकी वीडियो बिल्कुल परफेक्टली बन जाएगी। तो यार उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी इस वीडियो, और आप इस तरह से वीडियो बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना है। आप चलिए सबसे पहले वीडियो को चेक करते हो, उससे पहले जो हमने मेरे चैनल नया विजिट किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद ऑल प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं इस तरह से वीडियो लेकर आऊँगा ना, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। यार मैं सबसे पहले मैं इस तरह से यूनिक कॉन्टेंट लेके आता रहता हूँ आप लोगों के लिए, जो टिकटॉक में कुछ आप वीडियो वायरल हो सके। चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले क्या वो काइंडनेस एप्लीकेशन चाहिए, काइंडनेस नहीं तो यार कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, इधर जाकर फॉलो कर लीजिए, मिल जाएगी। और उसमें आपको जाकर डाउनलोड करना नहीं है तो यार मैं क्रोम पर जैसे लिंक दे रखा हूँ, उधर से भी आप काइंडनेस डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद काइंडनेस से एडिटिंग करना है। चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जैसे काइंडनेस ओपन करते हो ना, उसके बाद आपको प्लस आइकन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देन क्या करना पड़ेगी, इस वाला रेशो सिलेक्शन कर दीजिए 9:16, ठीक है। इसको जैसे सिलेक्शन करते हो, उसके बाद देन क्या करना पड़ेगी, आप जो देख रही है इधर जो मीडिया का ऑप्शन, मीडिया पे क्लिक करना है, जो मीडिया का ऑप्शन, इस मीडिया पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पहले बैकग्राउंड सिलेक्शन कर दीजिए अपनी मनपसंद, ठीक है, मैं व्हाइट बैकग्राउंड सिलेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको इस वाला क्लिक करके बैक कर दीजिए। उसके बाद स्टार्टिंग पोजिशन में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद देन क्या करना पड़ेगी, जो लड़की का वीडियो लिंक मैं दे रखा हूँ, उस वाला आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उधर आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसको आपको जाके डाउनलोड करना है। उसको जैसे डाउनलोड करते हो, उस लड़की का वीडियो ऐड कर देना है, LR पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद मीडिया पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद लड़की का वीडियो आपको ऐड कर देना है, ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको इसको फुल स्क्रीन कर देना है, इसमें क्लिक करके थ्री डॉट में, उसके बाद इस वाला को आपको सिलेक्शन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बैक कर दीजिए। उसके बाद देन क्या करना पड़ेगी, ये जो देख रही है व्हाइट बैकग्राउंड, इसमें क्लिक कर दीजिए। उसके बाद लड़की की वीडियो की फोटेज हिसाब से आपको इसको इक्वल कर देना है, ठीक है। इक्वल करने के बाद फिर से इसमें क्लिक करके बैक कर दीजिए। उसके बाद आपको स्टार्टिंग पोजिशन में आ जाना, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल कैमरा से आप वीडियो शूट किया, ग्रीन का कपड़ा के पर्दा में, ठीक है, जो हरा कलर कपड़ा की, ठीक है, उस वीडियो को आपको सिलेक्शन कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैं स्टार्टिंग में दिखा दिया था इस तरीके से एक्टिंग करना है, उस वीडियो को आपको सिलेक्शन कर दीजिए। उसको सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले LR पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद मीडिया पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद मैं उस वीडियो को सिलेक्शन कर देता हूँ, ठीक है, सिलेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरफ लेके आना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जूम कर दीजिए इस रोटेट पर क्लिक करके। उसके बाद आपको इस तरफ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्रोमा के में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इसको एनेबल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, देख लीजिए मैं जैसा कर रहा हूँ ऐसे कर दीजिए, इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद बैक कर दीजिए, उसके बाद देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा देख लेता हूँ वीडियो मेकअप हुआ कि नहीं। थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ, ये जो देख रही है, और थोड़ा सा इसको रोटेट पे क्लिक करके इस तरफ से जूम कर सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है। ये जो देख लिया, बिल्कुल रेडी हो चुका है वीडियो, ठीक है। उसके बाद इसको बाद क्या करना पड़ेगी, ठीक है, साउंड आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, ठीक है, साउंड बिल्कुल उस वीडियो की है, जो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन पर डाउनलोड करके उस वीडियो पे साउंड है बिल्कुल पहले से, ठीक है। उस साउंड जनो उस जो साउंड है उस साउंड अटक के नहीं आएगा, तो इसलिए आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। उसके बाद बिल्कुल साउंड है ना बिल्कुल परफेक्टली सुनने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस वीडियो बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए सबसे पहले वीडियो को थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे हुआ हमारा वीडियो। तो गाइस, जैसे कि वीडियो हमारा प्ले करके आप लोगों को देखा है, बिल्कुल हमारा वीडियो परफेक्टली बन चुका है। तो गाइस आप भी इस तरीके से वीडियो अपने टिकटॉक के लिए मेकअप कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो ने बहुत ज्यादा टिकटॉक में ट्रेंड में चल रही है, जो भी बंदा बना लेता है इसके साथ डुएट कर लेता है, बिल्कुल उसकी वीडियो
परफेक्टली वायरल हो जाता है। तो गाइस आप जो ये जो ओरिजिनल वीडियो है सोच सकते हैं, आप ओरिजिनल वीडियो बना के आप अपलोड करते हो तो यार आपकी वीडियो जरूर वायरल हो जाएंगे, क्योंकि डुएट कर लेते हैं तब भी वीडियो वायरल हो जाता है, डुएट करने के तब भी वीडियो वायरल हो जाता है। तो आप ओरिजिनल वीडियो बनाओगे तो आप बिल्कुल आपकी वीडियो 100% वायरल हो जाएगी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दीजिए, तब तक अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। और चैनल पर उसके साथ नया होती है यार सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल प्रेस कर दीजिए, जब भी मैं इस तरीके से वीडियो लेके आऊँगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। चलिए तब तक के लिए टेक केयर।